जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर सुनाने वाला हूँ उसमें से कुछ खबर को सुनकर के आपको खुशी होगी तो दूसरी एक खबर में आपको बुरा भी लगेगा इंडियन आर्मी को लेकर के। और मैं न्यूज सुना करके कटने वालों में से नहीं हूँ, उस न्यूज का प्रॉपर डीएनए मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो न्यूज निकल करके आ रहा है वो एक बहुत बड़ा थ्रेड है इंडिया के लिए और इंडियन आर्मी के लिए। देखिए, आने वाले समय में चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब होती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो भारत का सियाचिन है उसके नॉर्थ में चाइना ने अपने लिए एक 36 किलोमीटर लंबा रोड बनाया है और बॉर्डर के उस एरिया पर चाइनीज ट्रूप्स को भी बहुत भारी मात्रा में डिप्लॉय किया गया है। अब देखिए, थ्रेड यहां पर बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि सियाचिन भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर सियाचिन किसी भी तरीके से हमारे हाथ से निकल जाता है तो सियाचिन के एक तरफ है पीओके तो दूसरी तरफ है अक्साई चीन। तो सियाचिन हाथ से निकल गया इसका मतलब पाकिस्तान और चाइना के बीच में सियाचिन एक कॉरिडोर बन गया और उस कॉरिडोर की मदद से चाइना और पाकिस्तान करके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे भारत के लिए क्योंकि वहां से वेपन सप्लाई भी होगा, वहां से पैसा सप्लाई भी होगा, सब कुछ उसी कॉरिडोर के माध्यम से दो दुश्मन देश कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो भारत और चाइना के बॉर्डर एरियाज पर चाइना रोड्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहां पर चाइनीज मिलिट्री को भारी मात्रा में डिप्लॉय कर रहा है, दूसरी तरफ हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, अगर जंग होता है तो बॉर्डर एरियाज तक हमारे जो गोला बारूद है, हमारे जो खाना है फौजियों के लिए, वो पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे। दूसरी तरफ चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि स्ट्रांग है, रोड्स बहुत अच्छे होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे होने के कारण, कनेक्टिविटी अच्छे होने के कारण उनके बैकअप फोर्स भी बहुत तेजी से पहुंचेंगे, उनका खाना भी बहुत तेजी से पहुंचेगा, उनका जो आर्म्स एम्यूनेशन है, जो हथियार है, वो भी बहुत तेजी से पहुंचेंगे। ऐसे सिचुएशन में रणभूमि में हमारे फौजियों के लिए दिक्कत वाली सिचुएशन बन सकती है। अब ये जो चाइना बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जो रोड्स बना रहा है, वो एक दिन में तो बना नहीं है मेरे भाई। ये जो 36 किलोमीटर का रोड बना है इसका काम 2016 में शुरू हो गया था, इसकी प्लानिंग इससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया और चाइना के बीच में जंग होता है तो ये जंग कन्वर्ट हो जाएगा एक वर्ल्ड वॉर में और इस युद्ध से पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हो जाएगा। बार बार मैं चाइना का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके पास में तो चड्डी खरीदने का पैसा नहीं है, वो जंग क्या लड़ेगा। और अगर चाइना के पास से फंडिंग लेकर के वो जंग कर भी देता है तो पूरा दुनिया उस जंग को बड़ा सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि रिजल्ट सबको पता है कि ये जो सुअर पाकिस्तानी है ये बार बार जंग करने के लिए आएंगे, मुंह काला करवाएंगे, फिर से कीचड़ में लिपटेंगे और फिर से गू खाते हुए अपना घर में घुस जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की ओर। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं अहिर संप्रदाय के लोगों को लेकर के। अहिर संप्रदाय के जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी में अपना अलग इन्फेंट्री रेजिमेंट का डिमांड कर रहे हैं। जनवरी 2023 में पार्लियामेंट में एमपी गिरिधर यादव ने इसके बारे में मुद्दा उठाया था कि इंडियन आर्मी में एक अलग अहिर रेजिमेंट बनाया जाए, क्योंकि अहिर लोग इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे जंगों में अपना बलिदान दिया है, बहुत सारे जंगों में उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया है। इसी तरीके से जैसे सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, उसी तरीके से एक अहिर रेजिमेंट अलग से बनाया जाए। लेकिन 2023 में ही अजय भट्ट साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंडियन आर्मी में अभी के वक्त पर बहुत सारे कास्ट और रिलीजन बेस्ड रेजिमेंट मौजूद है और इस तरीके से कास्ट बेस्ड रेजिमेंट सिस्टम को और इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अहिरों ने बहुत बहादुरी का काम किया है इंडियन आर्मी में रह करके, इस पर कोई दोराय या फिर शक नहीं है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बेसिस पर एक नया रेजिमेंट बनाने का जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, क्योंकि इस देश में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कास्ट मौजूद है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर रिलीजन के डिमांड को फुलफिल करते हुए अहिर रेजिमेंट बना दिया जाए फिर दूसरे कास्ट और रिलीजन के सेंटिमेंट हर्ट भी हो सकते हैं, फिर वो भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारे जाति के नाम पर भी इन्फेंट्री रेजिमेंट बना दिया जाए। तो इस तरीके से जातियों पर भेदभाव ना करते हुए मुझे ऐसा लगता है इंडियन आर्मी का जो रेजिमेंट्स है वो जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलने देना चाहिए। सभी न्यूज के बारे में आप अपना ओपिनियन नीचे जरूर लिख सकते हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इन सभी न्यूज के बारे में और डिफेंस अपडेट्स के बारे में। जो तीसरा न्यूज निकल करके आ रहा है ये चीज मैंने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी और ये खबर बहुत ही दुखदायक है। आपको बुरा लगेगा ये सुनकर के कि इंडियन आर्मी के साथ में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां के यंग लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। स्पोर्ट्स की अगर आप बात कर लीजिए, आर्मी में जाने की अगर बात कर लीजिए, हरियाणा से तगड़े लोग बाहर निकलते हैं। चाहे फौजी की बात कर लीजिए, पहलवान की बात कर लीजिए, स्पोर्ट्समैन की बात कर लीजिए, और हरियाणा के यंग बच्चों के भीतर एक जज्बा और जुनून है इस देश के लिए कुछ करने का। लेकिन उसी हरियाणा के हिसार में रहने वाले
वाले यशपाल मौर्य जी इसके बारे में एक अलग सुर गाते हुए नजर आए हैं। यशपाल मौर्य जी क्या कहते हैं वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड सुनाने वाला हूँ। वो कहते हैं कि हमारे पूरे गाँव में 2 एकड़ जमीन है और मेरा बेटा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से पैशनेट है। वो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहा है कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, लेकिन जैसे ही अग्निवीर योजना आया तो मेरे बेटे के अंदर मैंने एक डिसअपॉइंटमेंट देखा। यशपाल साहब के बेटे ने यह कहा कि इंडियन आर्मी की जो तैयारी है वो मैं बंद कर रहा हूँ और मैं विदेश जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। उनके बेटे का यह कहना है कि मैं क्या करूँ 4 साल के लिए फौज में जाकर के। फौज में जाकर के 4 साल के बाद तो 50-50 चांसेस रहेगा कि मैं फौज में रहूं या फिर ना रहूं। मैं अपना पूरा जिंदगी देश के लिए देना चाहता हूँ। उस महान उद्देश्य के सामने ये 4 साल की फौज की नौकरी जो पहले शुरू हुआ था टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, ये टूर मुझे नहीं करना है, ये अग्निवीर मुझे नहीं बनना है। और इसी सेम चीज के बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने ये कहा है कि ये जो अग्निवीर है आने के बाद से यंग बच्चों के भीतर जो फौज में ज्वाइन करने का मोटिवेशन था, जो जज्बा था, जो जुनून था, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए फौज में जो सिपाही बनेगा वो कोई बहुत बड़ा अंबानी अडानी का बेटा तो नहीं होगा या फिर कोई नेता मंत्री का बेटा भी नहीं होगा, वो एक मिडिल क्लास घर का लड़का होगा। आप सोच करके देखिए उस लड़के को वही मेहनत करनी है, वही दौड़ लगानी है, वही एग्जाम क्लियर करना है। सब कुछ करने के बाद जब उसको नौकरी मिलती है 4 साल के बाद 50% चांस है कि उसकी नौकरी रहे, 50% चांस है कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। इससे अच्छा तो वो लड़का सोचेगा कि मैं पुलिस की तैयारी कर लेता हूँ, कांस्टेबल की, मैं SSC GD की तैयारी कर लेता हूँ। देखिए सर, आज की डेट में कंपटीशन को क्रैक करके सरकारी नौकरी लगाना एक बहुत बड़ी बात है। एक बार अगर सरकारी नौकरी योग्यता के साथ में लग जाती है तो दोबारा लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार मेहनत करके अगर SSC GD में सिलेक्शन हो जाता है CRPF BSF ITBPs पर, कम से कम पक्की नौकरी तो मिलेगी। तो ये जो चीज है अग्निवीर, मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको बंद कर दिया जाए। सर आप 2024 की इलेक्शन जीते, कोई भी सरकार बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी सरकार बने आते ही अग्निवीर जो स्कीम है इसको बंद कर दिया जाए। सर अब आप क्या सोचते हो इन सभी न्यूज के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड न्यूज आगे देखने के लिए और न्यूज को और डीपली जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।